सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है दो चरों का रैखिक समीकरण। आज हम दो चरों के रैखिक समीकरण में समीकरण का निर्माण करना सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा उससे समीकरण का निर्माण करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक दो चरों का रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। तो चलिए समीकरण कैसे निर्माण करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले माना कि बल्ला की कीमत क्या लेंगे, 100 रुपया, और 1 गेंद की कीमत क्या है, 2 रुपया। तब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, क्या बोला है प्रश्न में, 3 बल्ले 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। 3 बल्ले, बल्ला मतलब x, और 3 बोला है तो 3 का गुणा, और 6 गेंद, गेंद क्या है y, तो कितना गुणा करेंगे 6 का, दोनों का योग कितना दिया है 3900 रुपये बोल रहा है। 3 x क्या है बल्ला, 3 बल्ला, और y क्या है गेंद है, तो 3 बल्ला और 6 गेंद का कीमत 3900 रुपये है। तो एक हमारा समीकरण बन गया है। आगे बोला है वहीं से उन्होंने 1 बल्ला 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। 1 बल्ला, बल्ला क्या है x है, 1 बोला है तो 1, और 2 गेंद, गेंद क्या माने हैं y, और 2 बोला है तो 2 का योग कितना है बोल रहा है, कितना में खरीदा 1300 रुपये में, 1300 रुपये में खरीदा। इस तरह हमें दो समीकरण प्राप्त हुआ। यहाँ पर याद रखेंगे x क्या है बल्ला है, y क्या है गेंद है, तो 1 बल्ला और 2 गेंद की कीमत कितना बोला है 1300 रुपया। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। एक फल की दुकान पर 2 किलो सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया था। तो यहाँ सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि 1 किलोग्राम सेब की कीमत क्या है 100 रुपया, माना कि 1 किलोग्राम सेब की कीमत, 1 किलोग्राम सेब की कीमत कितना लिए हैं 100 रुपये माने हैं, फिर 1 किलोग्राम अंगूर को भी मानते हैं, 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत क्या लेते हैं y रुपये, ठीक है, 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत क्या लेते हैं y रुपये। तो अब प्रश्नानुसार चलते हैं, क्या बोला है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य, 2 किलो सेब, सेब माने हैं x, 2 किलो, और एक आगे बोला है 1 किलो अंगूर, अंगूर क्या है y, 1 किलो तो 1 का गुणा का मूल्य कितना दिया है, दोनों का मूल्य दिया है आपका 160 रुपया, दोनों का मूल्य दिया है 160 रुपया दिया हुआ है, तो बराबर क्या किए 160। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब, 4 सेब क्या लिए हैं x, 2 किलोग्राम अंगूर, 2 अंगूर को लिए क्या लिए है y, का मूल्य कितना दे दिया है 300 रुपया, 300 रुपया। इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त हुआ। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। क्या बोला है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया। नीचे में क्या बोला है, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना दिया है 300। इस प्रकार हम समीकरण